बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर फाइन। ओपन अप योर बुक्स, न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस फॉर ग्रेड 3, पेज नंबर 9। हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, आंसर दिस क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। व्हेन क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रेथ्स डू यू टेक इन अ मिनट, कि आप एक मिनट में कितनी मरतबा सांस लेते हैं। व्हेन डज योर ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस, हमारी जो ब्रीथिंग रेट है यानी हमारा सांस लेने का जो रेट है वो कब इंक्रीज़ होता है, एंड व्हाई डज इट इंक्रीजेस, ठीक है, और ये क्यों इंक्रीज़ होता है। अब यहाँ पे आपके टेबल में गिवन है, इसलिए हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एज बताई हुई है, ग्रुप्स बताए हुए कि उस एज के जो बच्चे होते हैं उनकी ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, फिर जब उससे बड़े हो जाते हैं फिर कितनी हो जाती है, जब एज इंक्रीज़ होती है तो ब्रीथिंग रेट कितना होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एज न्यूबॉर्न्स की, जो बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न यानी नया पैदा हुआ बच्चा, उसकी एवरेज एक मिनट में वो कितनी मरतबा सांस लेता है, 44 मरतबा, ठीक है। इन्फेंट्स यानी कि जो उससे बड़े होते हैं, न्यूबॉर्न से बड़े, जो कि वो जिसको हम कहते हैं क्रॉल करते हैं, ठीक है, जिस तरह वो चार हो के चलते हैं ना, हाथों और पाँव दोनों को यूज़ करके चलते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉल करना। तो वो कितने मरतबा सांस लेते हैं, 20 to 40 टाइम्स। प्री स्कूल जो बच्चे होते हैं, जो अभी प्री स्कूल या बिल्कुल प्री क्लासेस के जो बच्चे होते हैं, उनकी एज रेंज एवरेज ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, 20 to 30 टाइम्स। ओल्डर चिल्ड्रन यानी कि मतलब जिस तरह आप लोग हैं जिनकी एज रेंज होगी 5 to 15 कर लें, 5 to 13, उनकी एवरेज कितनी होती है, 16 to 25। और जो एडल्ट्स होते हैं यानी जो बाले होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, उनकी कितनी होती है, 12 to 20 मिनट्स पर, ठीक है, एक मिनट में वो 12 to 20 टाइम्स करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपके क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हाउ मेनी ब्रेथ्स डू यू टेक इन अ मिनट। अब देखिए आप कौन सी ग्रुप में आते हैं, आप न्यूबॉर्न भी नहीं हो, आप इन्फेंट भी नहीं हो, आप प्री स्कूल भी चिल्ड्रन भी नहीं हो, तो आप कौन से हो, ओल्डर चिल्ड्रन, तो आप कितने टाइम लेते हो, 16 to 25 ब्रेथ्स, ठीक है। अब नीचे नेक्स्ट बोलते हो, व्हेन डज योर ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस, हमारी ब्रीथिंग रेट कब इंक्रीज होती है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, स्पेशली जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड व्हाई डज इट इंक्रीजेस, और ये क्यों इंक्रीज होता है, कि जब हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं हमारी जो ऑक्सीजन है बॉडी को ज़्यादा चाहिए होती है, तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है ताकि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुँच सके, ठीक है बच्चों। अब टेबल के नीचे लिखा हुआ है, टॉक अबाउट दीज क्वेश्चन विद योर टीचर, कि अपने टीचर से ये क्वेश्चन डिस्कस करें। व्हाट डज द टेबल शो अस, हमने भी डिस्कस कर लिया, ये हमें ब्रीथिंग रेट बता रहा है कि कितनी मरतबा हम सांस लेते हैं, कौन से ग्रुप के बच्चे मतलब कितनी एज वाले बंदे कितनी मरतबा सांस लेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द टेबल, आपने टेबल से क्या सीखा, आपने हमने ये सीखा कि इतनी एज होगी तो वो इतने मरतबा एक मिनट में सांस लेंगे, न्यूबॉर्न, इन्फेंट्स, प्री स्कूल, ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट, ठीक है। कैन यू सी वेयर यू कम इन द टेबल, कहते हैं कि आप देख सकते हैं कि आप कौन सी ग्रुप में आते हैं, तो अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया, आप ओल्डर चिल्ड्रन में आते हो, ठीक है। तो आपकी ब्रीथिंग रेट क्या है, 16 to 25 मिनट, आप एक मरतबा एक मिनट में 16 से 25 के दरमियान मरतबा सांस लेते हो, ठीक है बच्चों। इज़ द इंफॉर्मेशन करेक्ट, हाउ कैन यू प्रूव दैट, कहते हैं ये जो टेबल में इंफॉर्मेशन दी हुई क्या ये ठीक है, आप कैसे प्रूफ कर सकते हो। आप देखो, आप घर में प्रैक्टिस करें, खामोश होकर बैठें और देखिए एक मिनट में आप कितनी मरतबा सांस ले रहे हैं, कैसे पता चलेगा एक मिनट में हम कितनी मरतबा सांस ले रहे हैं, इस तरह अंदर और एक मरतबा बाहर निकालना, ये एक टाइम का सांस लेना होगा, ठीक है। आप चेक करें आप कितनी मरतबा सांस लेंगे, आप ओल्डर चिल्ड्रन हो तो आपकी ब्रीथिंग रेट क्या होगी, 16 to 25 टाइम्स, ठीक है। व्हाट इज़ द ब्रीथिंग रेट ऑफ समवन हु जस्ट एक्सरसाइज्ड, इज इट द सेम, इज इट द सेम एज द रेट वाइल एट द रेस्ट, कहते हैं जब कोई एक्सरसाइज करके आता है तो उसकी ब्रीथिंग रेट कितनी होगी, क्या इतनी होगी जो टेबल में गिवन है, नहीं, हमने अभी डिस्कस किया कि ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फास्ट डज योर हार्ट पम्प ब्लड, कहते हैं आपका जो दिल है वो कितनी तेज़ी से खून पम्प करता है। ईच टाइम योर हार्ट बीट्स इट पम्प्स ब्लड थ्रू योर आर्टरीज, कहते हैं जब एक मरतबा हार्ट पम्प करता है, एक मरतबा जब दिल धड़कता है, ये पूरी बॉडी में खून पहुंचाता है, किसके ज़रिए से, आर्टरीज से। आर्टरीज क्या हैं, हमारी रगें हैं जिसके ज़रिए से खून जाता है।
ईच पुश इज कॉल्ड पल्स. एक मतलब जब हर्ट धड़कता है हम उसको कहते हैं हल्स पल्स. एक मतलब जब हर्ट धड़कता है उसको क्या कहते हैं पल्स. यू कैन फील योर पल्स ऑन योर आर्टरी विच इज़ क्लोज टू योर सर्फिस ऑफ योर स्किन. आप अपने पल्स को फील कर सकते हो अपनी स्किन के थ्रू, अपने आर्टरीज के थ्रू जो कि स्किन के करीब ही, जैसे कि आपकी रिस्ट में है, आप अपनी कलाई पे जहाँ पे घड़ी बांधते हैं यहाँ पे आप अंतर वाली साइड पे उंगली रखें, आपके यहाँ पे आपको पल्स फील होगी कि क्या है, हार्ट बीट कर रहा है. ठीक है, उसको कहते हैं पल्स. ठीक है बच्चों, ये आपने पढ़ना है. डेली का काम डेली क्या करें ताकि आपको मुश्किल ना हो. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.